एक पिता ने अपनी 8 साल के जिंदा बेटे की अर्थी सजा दी। उसी पिता ने 13 साल की बेटी को भी गले में फांसी का फंदा लगाने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, मुंबई के एक पिता ने अपने हंसते खेलते बच्चों को कैसे मौत के मुंह में धकेलने की साजिश रची और क्यों। बच्चा जमीन पर सो रहा था, लेकिन पिता सुचित गौड़ ने उस पर सफेद कपड़ा डाल दिया, गले में फूल माला पहना दी, पास में अगरबत्ती भी जला दी ताकि ऐसा लगे कि मासूम की मौत हो गई और उस पर कफन पड़ा है। इसके बाद पिता ने बच्चे की फोटो खींचकर एक मोबाइल नंबर पर भेज दी। बेटे की तस्वीर भेजने के बाद पिता ने 13 साल की बेटी को पंखे के ठीक नीचे प्लास्टिक की बाल्टी पर खड़ा कर दिया, बेटी के गले में फांसी का फंदा लगाया, फिर बेटी से कहा बाल्टी को पैर से हटा दे। बच्ची रोने लगी और इनकार किया तो पिता ने पंखा चलाने की धमकी दी। बच्ची जोर से चीखने लगी, लेकिन तब तक पिता फांसी के फंदे में उसकी तस्वीर खींच चुका था। ये तस्वीर भी उसने उसी मोबाइल नंबर पर भेज दी। हालांकि बच्ची का शोर सुनकर पड़ोसी आए और दोनों मासूमों को उसके पिता के जुल्मों से बचाया। इसके बाद जो पिता की सनक का सच सामने आया, उस पर यकीन करना आसान नहीं है। पुलिस के मुताबिक मुंबई के कुरार इलाके में रहने वाले एक शराबी ने अपनी पत्नी को मायके से बुलाने के लिए घर पर बच्चों की हत्या का सीन क्रिएट किया। पुलिस का कहना है कि पति के जुल्मों से तंग आकर उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ गांव चली गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले पति अपने बच्चों को वापस मुंबई लाया। उसने पत्नी को भी वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके बाद पति ने दोनों बच्चों की हत्या का ड्रामा रचा और फिर उसकी तस्वीरें अपनी पत्नी के मोबाइल पर भेज दी। उसने उसमें लिखा कि बच्चे की मौत हो गई है और बेटी ने फांसी लगा ली है, इसलिए अब तुम भी मुंबई आ जाओ। पति को लगा कि मासूमों की मौत की तस्वीर देखकर पत्नी घर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अपने बच्चों पर जुल्म करने के इल्जाम में शराबी पिता जेल पहुंच गया। बच्ची रोने लगी, बहुत घबराई और उसने चिल्लाना शुरू किया, तो उसकी आवाज़ सुन के जो एरिया में जो रहने वाले लोग है वो वहाँ पे तुरंत पहुँच गए और उन्होंने बच्ची को वहाँ से हटाया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारी पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और उसको ये किया, अटक किया। कुकार थाने की पुलिस के मुताबिक आरोपी सुचित गौड़ की पत्नी करीब 2 साल पहले उसकी नशे की लत से परेशान होकर मायके चली गई थी। तब से वो लगातार पत्नी को वापस बुलाने के लिए दबाव बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को उनके एक रिश्तेदार के घर पर रखा है। माँ से अपील की है कि वो जल्द अपने बच्चों को संभालने के लिए उनकी कस्टडी ले। एक पिता अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करता है, जबकि कुरार के सुचित गौड़ ने नशे की लत में अपने पूरे परिवार